सर्वेभ्यो नमः देववाणी संस्कृतम् YouTube चलत्दृष्यम् प्रति धाताम् धाते इनाम्चा हारदम् स्वागतम् मित्रो अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति व्रति हे व्रतियाहा अध्यायाहा कक्षा संख्या एक सौ एक वो आज पढ़ेंगे ठीक है चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा मित्रों और गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था था से ये पढ़ा दिया था सह से अर्थात था चलिएगा आगे पढ़ते हैं सूत्र है हमारा झयो रेशी रेच

ऐसा विग्रह कर लीजिएगा आगे दूसरा समास है एशी चा चा एश रेच समाहार द्वंद्व ये समाहार द्वंद्व है तो शब्द है वचन एक है इसलिए समाहार द्वंद्व है ठीक है अर्थ यथा यथाख्यम एष इरेच भवतः ठीक है तो कहते हैं कि लिट के स्थान पर लिट लकार के स्थान पर जो आत्मने पद के ता और माने आत्मने पद में ता और झा माने प्रथम पुरुष एक वचन का प्रथम पुरुष बहुवचन का झ लिट के स्थान में हुए लिट लकार के उनको इनके स्थान में यथासख करके क्या हो जाता है तक तो एश कर देते हैं क्या कर देते हैं एश और इसको कर देते हैं झको ठीक है एश करने का जिसमें जो श लगाया है श की इत संज्ञा हो जाती है हल अंतिम तो इस लगाने का प्रयोजन है कि जो ये त है ये जो त है इस पूरे के स्थान में हो जाए इसके अवयव केवल अको नहीं हो जाए ता रह जाए और अको हो जाए अनेकाल शित सर्वस्व जो शीत आदेश होता है वो क्या सबके स्थान में होता है तो शाह श शा लगाया इत संजय ठीक है तो ये होते हैं उदाहरण दिया है जैसे का दिया है पेचे ले भे ठीक है और झका दिया है पेचिरे ले भेरे ठीक है सिद्धि में आपको करके बता देता हूं इसकी यहां पर गुरुजी ने वैसे बता दी है देखेगा क्या करना है इसमें यह आपका पच धातु है डूपाके का पच बच गया लिट लकार आया लिट के स्थान में ता आदेश हो गया प्रथम पुरुष का एक वचन का ठीक है और इसको दु कर लेंगे लिटी धातु रनभ्यास्य लिटी धातु तो और अनभ्यास से ये लिट लगा सिद्धिया करें दुत्व हो जाएगा तो एक आचे तो प्रथम से माने पच पच दो बार हो जाएगा पूर्व अभ्यास हलाद ही शेष ठीक है पा बच गया पा हो गया तो पा पच और त अब ये इस सूत्र ने क्या कर दिया इस त के स्थान में एश आदेश कर दिया अनेकालशित सर्वस्व से सारे के स्थान में क्या हो गया एश इसकी संज्ञा है शकी तो ए बचा बचा तो अब हमारे पास में पा पच ए ऐसा हो गया देखिएगा पा और ए ये हो गया ठीक है अब यहां पर ये एक सूत्र लगता है ये सूत्र लगता आता एक का हल अध्ययन आदेशा दे रई और लिटी इत्यादि ठीक है ये इसका मैं आपको अर्थ बताता हूं ये क्या कहता है सूत्र कहता है कि जिस अंग में चलिएगा पहले इसका अर्थ ही पढ़ लीजिएगा पूरा मैंने अर्थ ही आपके लिए रखा हुआ है यह सूत्र है छठवें अध्याय के चौथे पाद का एक सौ बीसवा सूत्र है छह चार एक सौ बीस ये क्या कहता है ये कहता है लिट्टी परता आदेश आदेश आदि यस नास्ति तस्या ना एक मध्ये असहायोर हलोर्म्ये यहाँ एकारादेशो अभ्यासोप्च लिट्टी किंग परता ध्यान रखिएगा हो सकता है आपको पूरा समझ में नहीं आया पर इसका भाव समझना है लिट लकार के परे रहते जान दीजिएगा लिट लकार के परे रहते आदेश आदिर अंग से नास्ते लिट के परे रहते जो अंग है यत प्रत्यय प्रत्यय तो अंग जो अंग संज्ञा है इसमें पच है पापच मे पच की अंग संज्ञा है उस अंग को कोई उस अंग को कोई आदेश नहीं हुआ है माने आदेश आदिर, आदिर यस्य नास्ति लिटी परता आदेश आदिर यस आदि आदेश जिसको नहीं हुआ है तो कहते हैं माने ऐसे उस अंग को लिटके पड़े थे कैसा एक हल मध्य एक हल मध्य का अर्थ है कि दो माने असहाय हलो माने दो हल इकट्ठे नहीं होने चाहिए एक हल पहले और एक हल बाद में, बीच में बीच आ होना चाहिए। तो असहाय हला हलोर माने हल कैसे होने चाहिए संयुक्त नहीं होने चाहिए दो नहीं होने चाहिए एक साइड में ठीक है तो ऐसे हल, असहाय हल माने एक हल इधर एक हल इधर और फिर आ, तो मध्य में जो ह्रस्व आकार है उसको क्या हो जाता है एक आदेश हो जाता है ठीक है और अभ्यास लोपश्च और अभ्यास का लोप हो जाएगा पूरे का की और कित नित लिट के पर लिट होना चाहिए ठीक है अब देखिएगा अब उसमें घटाते हैं ये देखेगा ये क्या बन गया था ऐसा था पा, ये और पच और ये एश ठीक है एश का ए अब ये कहा था इस लिटके परे रहते जो ये अंग है इस अंग के अंग के अंग को कोई आदि में आदेश नहीं हुआ हुआ ठीक है इसको कोई आदेश नहीं हुआ यहाँ तो कुछ आदेश हुआ ही नहीं है तो कहते हैं ऐसा जो अंग और उस अंग के क्या है हल मध्य ठीक है हल ठीक है अब क्या है ये अंग है क्या है ये अंग अब अंग है ये तो अंग का का कि असहाय हल माने एक हल इधर है प और एक हल बाद में चार और बीच में है क्या आ। तो ये असहाय हल है माने ये नहीं लिया जाएगा यहाँ पर ध्यान देंगे ये नहीं लिया जाएगा तो आप अलग है अंग का जो एक हल इधर होना चाहिए एक हर मान व्यंजन एक व्यंजन इधर बीच में इधर दो व्यंजन नहीं होने चाहिए इधर दो व्यंजन नहीं होने चाहिए इकट्ठे तो इनको बोलते हैं असहाय हल तो क्या हो जाएगा इसे ए, इसको क्या हो जाएगा को ए हो जाएगा ठीक है और इस अभ्यास का लोप हो जाता है इसी सूत्र से अतः एक और ये कैसा होना चाहिए ये लिट कित, कित होना चाहिए तो कित है ये असंयोगाल लिटकित असंयोगांत धातु से उत्तर अपित लिट कितवत अपित लिट है ये ये तो पहले पढ़ लिया है के दूसरे पाग में तो असंोग लिट कित ये कित है तो कित के आते इसको ये हो गया इसका लोप हो गया और ये बचेगा अब क्या बनेगा हमारा ये पे छे पे छे बने सिद्धि पूरी बना दी मैंने आपकी ठीक है इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा क्या है इसी प्रकार से लेभे लेभे में सब कुछ ऐसा ही करना है लव धातु है बस लाकि सारा कुछ इसी प्रकार से करना है ये भी सारे सूत्र यही लगेंगे बस लब का ले बन ले जा में क्या बन जाएगा सब कुछ ऐसे ही होना है इससे झा बहुवचन की कक्षा में तिवारी उत्पत्ति करेंगे तो बहुवचन में झा जा आ जाएगा उस झ को इरेच हो जाएगा इरेच आदेश हो जाएगा इरेच में क्या हो जाएगा मानिएगा ये आनीयगा हमारी स्थिति क्या हो गई पा और ये पच और झको इरेच हो गया क्या हो गया इरेच चकित संज्ञा हो जाती इरे मचता है अब इससे आता एक हल मध्य आधे साथ एलिटी से क्या हुआ अभ्यास का लोप हो जाए इसको ए हो गया तो क्या बने गया पेच रे बने तो गया ऐसे ले भिरे लभ से ले भिरे तो लिट लकार में आत्मने पद के जो ता और झा है उनमें ये सूत्र लगता है ठीक है? कोई परेशान तो नहीं है दिया दिखा दिया आपको और ये यहाँ पर हिंदी भवतीम चाह ठीक है यहाँ पर ये लिट का एक प्रक्रिया दिखाई थी यहाँ पर आप देख लीजिएगा इसका सहायता ये बिल्कुल ऐसी नहीं लगेगा आज ये सारे सूत्र नहीं लगेंगे और लिट लकार की सिद्धियां पहले भी हैं तो वैसे ही आपका बनेगा ये बस यहाँ पर यही है लेटेस्ट रेस ही लकार के स्थान में जो त और झ आदेश है उनको क्या हो जाता है क्रम के ता को करके और झ को इच आइएगा आगे चलते हैं परस्मयी पदानाम नाम छे परस्म पदा नाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनाथम व्यक्ति बहुवचनाट में बोल दिया ठीक है समास इतरेतर योग द्वन्व है इसमें इतरेत्तर समास है कैसे करना है यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है सब अणलच अतुच अथुष आच आच्च, या अश्च भी कर सकते हैं आच भी कर सकते हैं अणल च महा बस ऐसे बेकर कर लीजिए अनुवृत्ति इसमें आ रही है लिटलकार की केवल ठीक है अर्थात लिडादेशा नाम परस्मयी पदसंजका नाम इवादी नाम स्थाने यथा संख्यम अणल अतुस उस थल अथुस अणल व नव आदेशा भवंती कहते लिट के स्थान पर लिट आदेश कौन से लिड़ा आदेश परस्मय पद पर संज्ञक माने सिप्तस जी सिप्तस्था मिप वस्मस ये नौ है परस्मय पद पर, ठीक है नाम परसमय संजका नाम तिवादी नाम तिवा तिपादी उनके स्थान में यथा करके क्या हो जाता है तिप को अणल हो जाता है तस को हो तो जाता है है और सिप को थल हो जाता है थस को अथुस हो जाता है थ को अ हो जाता है मिप को अणल हो जाता है और वस को व हो जाता है मस को म हो जाता है ये नौ आदेश हो जाते हैं ठीक है उदाहरण पठध धातु का लिया पपाठ पेठ तो पेठ प्रथम पुरुष हो गया पेठी था, पेठा तो, पेठा, ये मध्यम पुरुष हो गया पपाठ पपाठ पेठी व पेठ में ये उत्तम पुरुष होगा उत्तम पुरुष एक वचन में इसके दो बनते हैं बता दें कौन सा सूत्र लगता है ठीक है इसमें ये अड़ल प्रत्यय और ये अड़ल प्रत्यय एक जैसे ही है अब आप कहेंगे रूप कैसे पहचानेंगे रूप पहचान देते रूप की पहचान हो जाती है कि कौन सा उत्तम पुरुष का है कौन सा मध्य प्रथम पुरुष का है ठीक है अब आ जाइएगा यहाँ पर गुरु जी ने जो इसकी हिंदी लिखी है उसको देखना पड़ेगा इसकी सिद्धियों का आपको अभ्यास करना होगा अपने नोटबुक पर ठीक है लिटलकार के परसमय जो विवादी आदेश उनके स्थान में यथा करके अणल आदि नौ आदेश हो जाते हैं ठीक है आदि में पूर्वत ठीक है पूर्वत क्या है अभी वाले सूत्र में लगाया था पहले अत एक अलम अदे लिटी से अभ्यास लोप तथा एक तो होगा किस में होगा एक तो जान दीजिएगा इसमें होगा इसमें होगा इसमें 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 जहां जहां ए दिख रहा है वहां वहां हो जाएगा ठीक है जा जहां पर कित प्रत्यय है कित अथवा कित उनमें अभ्यास का लोप होगा और एकार होगा यही तो था ये तो कित नहीं है कित तो कित होता नहीं है और ऐसे मध्यम ये सिप हाँ और ये पपाठ में ये ये भी नहीं होता ठीक है तो ये हो गया आपका आइएगा इनकी आपको सिद्धियां दिखा देता हूं मैं थोड़ा सा पहले गुरु जी की हिंदी पढ़ लेते हैं तब बताता हूं आपको ठीक है ये गुरु जी का देख लीजिएगा यहां पर यह होगा यहां तो ले शेष पूर्व निर्दिष्ट सिद्धियों के अनुसार ही जाने अणलुत्तमो वाह सात एक इक्यानवे से उत्तम पुरुष का जो अणल प्रत्यय है उसको विकल्प से गणित वत माना जाता है माने तो जो अणल है ये इसका है। ये है। उत्तम पुरुष का ही ये वास्तव में गणित है परंतु इसको अणल उत्तम से क्या विकल्प से गणित हो गया विकल्प से होगा तो जब गणित वत माना जाए तो वृद्धि हो जाएगी जहां प्राप्त है जहां पर नहीं हो गए जहां पर जिस पक्ष में गणित नहीं माना जाए उस पक्ष में वृद्धि नहीं होगी तो इसलिए दो रूप बन जाते हैं पपाठ पपट ये वृद्धि वाला या अवृद्धि वाला ठीक है बाकी ये ऐसे ही बन जाएंगे शॉर्टकट में बता देता हूं ठीक है ये नीचे वही लिखा हुआ है अत उपधायाह अतित पक्ष में अत उपधाया से वृद्धि होकर पपाठणित पक्ष में वृद्धि न होकर के पपट बन गया ठीक है ये अब शॉर्टकट में आ जाइएगा आपको नोटबुक पर बनाना है कैसे देखिएगा सारी सिद्धियां बता देता हूं आपको पपाठ पपाड़ में पट धातु है आपकी और लिटलकार लिट के स्थान में क्या आ गया तिप आ गया तिप को इस सूत्र से क्या हो गया प्रथमी संज्ञा का इसलिए लिटलकार के तिप के स्थान में इससे अणल हो गया इसको क्या हो गया अणल इत संज्ञा हो गई दोनों की क्या बच्चा आ ठीक है लिटी धातोरभ्यास्य प्रथम से द्वित हो जाएगा पाठ पाठ पूराभ्यास हलाद ही शेष और अभ्यास चर् पकुपय हो जाएगा ठीक है पा, और पलका ये आ अब ये क्या है, इनित है। इनित होने से क्या हो गया अतोपाय से यहाँ वृद्धि हो गई इसको तो क्या बन गया प पठ पठ बने गया ठीक है अब अब देखिए प्रत्यय जोड़ते जाएंगे ऐसे ऐसी सारी स्थिति रहेगी और यहां पर चले ये पठ है और ये क्या है तस तस को क्या हो जाता है अतुस लिट लकार में तस को अतुस हो जाएगा दूचर में और लिटी धातो नंबर से दु आदि हो जाएगा ये पाठ और पठ वृद्धि आदि कुछ प्राप्त नहीं है अब यहाँ पर क्या आया वो ही आता एक हल नादेशा दे नादेशा देर लिटी ठीक है ये क्या हो जाएगा ए, ये तो हट गए ये पूर्वत अब यहाँ पर अभ्यास का लोप हो जाएगा और इस, और इसको ए हो जाएगा और ये कैसा है असंजा लिट कित से कित है अपितिट कित पद भविकित है ठीक है ये वाला कित नहीं था क्योंकि तो था इसलिए तो ये अतुष पे और फिर सुप्त गोरू और विरामो अवसानम खर्बसानी और विसर्जनिया से विसर्ग हो गया पेठ तुह बन गया ठीक है अब देखिएगा बिल्कुल ऐसा ही बनेगा ऐसे ही क्या है पेठू इसमें क्या हो जाए जी को ये जी आ जाएगा जी जी को क्या हो जाएगा उस हो जाएगा बस ठीक है और ये लोप आदि और उसका अभ्यास का लोप और ये तो हो पेट था और जी को उस हो जाएगा ये।, बन गया ये ठीक है और देखिएगा यहां देखिए या एक विशेष सूत्र लगेगा इसमें लिखा नहीं मैं लिखा देता हूं आपको ठीक है क्या है ये हो गया था पूरा था और पट दूत आदि कर लेंगे पूरा और ये क्या था ये सिप था सिप को क्या हो गया थल हो गया क्या हो गया जी बोलो अब क्या इसमें आता एक हल मध्य नादेशा देर, लिटी नहीं लग सकता क्या है आता एक हल मध्य नादेशा देर, लिटी नहीं लग सकता क्यों क्योंकि ये जो ये पिता है सिप तो सिप पिता है तो ये किता पितलिट है तो अपितलिट कितना तो होता है ये पितलिट है जो कितना तो नहीं होगा ठीक है तो ये हो गया अब क्या है यहां पर एक सूत्र है जो अतः एक हलम अध्यनादेशादिलिटि ऐ सूत्र है ना इसके नीचे ही सूत्र है खाली जसे टी ये मैं सूत्र बता देता हूं आपको तो बोल रहा था वही है सूत्र संख्या है आपकी इसकी तीन चार एक सौ पंद्रह क्या है? तीन चार एक सौ पंद्रह वहां देख लीजिएगा ठीक है क्या सूत्र सूत्रीच सेठी थली क्या कहता है कि ये जो थल हुआ। अब यहां पर क्या आर धातु से इत आगम होगा ये, धातु का क्या होगा इट आगम होगा तो इट आगम में आदम तो टकता उसे क्या हो जाएगा इट आदि में हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका ये ई और ये था ठीक है ऐसा बन गया आपका ये इटागम आपको पता है ये आर तो कस्टेट बलाते से हो जाएगा ठीक है तो अब क्या है? थलीच सूत्र क्या है ये -ली -चा सेटी ऐसा है ये कहता है सेठ थल के परे रहते मानिए जो थल आदेश हुआ है ये जो थल था लकीत संज्ञा हो जाती है सेठ थल के परे रहते सेट कैसे ईट आ गया इसको सेट हो गया सेट थल कैसा अपित हो अपित भी हो पित हो अपित ना हो तो भी तो भी क्या है जो आता एक हल मध्य ना दे जो कार्य करता है वो कार्य यहां हो जाता है अर्थात अभ्यास का लोप हो जाएगा और इसके आकार को एकार हो जाएगा यह सूत्र करता है थली जहेटी तो क्या बन जाता पेठी था ऐसा बन जाएगा पेठ ये इसके समान पेठ के समान बन जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा सिर्फ आएगा थस को क्या हो जाएगा अथुस हो जाएगा ठीक है तो ये पेठ तो बन जाएगा बिल्कुल वैसे ही ठीक है सारे काम हो ऐसे पेठा माने थे थस था, था को क्या हो जाएगा आदेश हो जाएगा तो इसको पेट बन जाएगा अब व्यासा दिगा लोप होकर के और ये उत्तम पुरुष का है पपाठ इसमें ये वाला सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि ये पित है पित है मिप है ठीक है तो जब ऐसा हो जाए ये प अभ्यास का प पा और पठ और ये इसका हो जाएगा अनल का ये अनल आदेश हो जाएगा मिप को तो का आ, अब इसको इसने अड़ुत्तम बात से विकल्प करके क्या हो गया इसको इणपत हो गया तो जब इण हो गया से वृद्धि हो गई तो पपाठ और जब इण नहीं होगा तो कुछ भी प्राप्त नहीं है पाठ ऐसा बन जाएगा ठीक है यहां पर पेठी व पेठिम यहां पर वस को वो आदेश और यहां पर क्या हो जाएगा धातु से ईटागम हो जाएगा इसमें भी ईटागम हो जाए इसमें भी ईटागम हो जाएगा और ये कैसे ये अपित है ये तो अपित है सजा लिट कित से ये क्या हो जाएंगे कितवत हो जाएंगे तो ये वाला सूत्र लग जाएगा ठीक है क्या लग जाएगा ये सूत्र लग जाएगा तो पेटी व पेटी में ये बन जाएंगे ठीक है चलिएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है शॉर्टकट में आपको इस ये सारी सिद्धियां बना लेनी है नौ सिद्धियां ये बनानी है आपको शॉर्ट बनानी पड़ेगी अभ्यास करना पड़ेगा आपको अन्यथा तो कैसे आएगा फिर ठीक और आपको ये लिटी धातोस्टी पेचे ले लेवे, पेचे लेवे, पेचे लेवे। बना लेनी है आपको ठीक है चलिएगा आगे सूत्र है विदो लटो वा विदा पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम लटा षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम वाह अब पदा ठीक है अनुवृत्ति परस्मै पदा नाम अड़ा लुस्थ लु सणालु अमाह धातु तो इनकी अनुवृत्ति आ रही है पूरे सूत्र अर्थ वेद ज्ञाने इत्यस्मा परो या यो लट परस्मै पर संज्ञका नाम स्थाने यथा संख्यम अनलादयो नव आदेशा विकल्पेन भवन्ति सरल है बिल्कुल ये क्या है ये लिट लकार का नहीं है लिट लकार में तो ऊपर वाले सूत्र से प्राप्त था यहां पर क्या करना है विद धातु है क्या है वेद ज्ञाने विध जाने लेनी है धातु से लटलकार में भी मान विद जाने धातु से जो लटलकार के परसमय पर जो प्रत्यय आते हैं नौ उनको भी अणलादि विकल्प से आदेश होते हैं पक्ष में तिवादी रह जाएंगे ठीक है उदाहरण बनाया यहां पर वेद विदु वे, विदु वेद वेदा वेद वेदा, विद्मा पक्षे ये तो लिटके हो ये ये अनादि के हो गए और ये लट में जब नहीं होगा तो पक्षे लड़ेगा लट के रहते हैं ये होगा विसर्ग नहीं गलत लग गया है वेत्तीदंती वेदी वित्था वित्था वेदमी ठीक विद्... आइएगा ये अदादी गण की धातु है ध्यान देंगे क्या है अदादी गण की अदादी गण की धातु है तो ये जो बनाना है आपको ये बिल्कुल सरल है अभी आप जैसे मानिए कि विद धातु है ये क्या है विद धातु विद है अब ये लट लकार आया यहां पर वर्तमान लट से लटा आया ये लट लकार में आपको लिट लकार जैसे रूप दिख रहे हैं लट टल लट को स्थान में तिप आ गया ठीक है गया, अब तिप को इस सूत्र ने क्या विकल्प से क्या कर दिया, दिया तिप को अणल कर दिया क्या कर दिया अणल कर दिया ऊपर वाला तो क्या हुआ ये ये हो गया ये हो गया और ये तिप को अड़ल हो गया ये ठीक है अब अच्छा अब ध्यान दीजिए यहां पर कोई दिक्कत तो आदि नहीं होगा लिट्टी धातु और से आदि कुछ नहीं होगा इन लट लगा रहा है इसलिए लकार तो लट ही रहेगा ध्यान रखेंगे तो अब क्या होगा यहाँ पर ये हो गया आ हो गया अब जो तिप था क्या है तिप अब ये कर्तरी कर्त तो कर्तरी शब्द से शप आता है यहाँ पे बीच में क्या आता बोलो कर्तरी शप से शप तो शप आएगा दादी गण की फिर आदि प्रवृति शपाह आदि प्रभृति शपाह क्या हो जाएगा शप का लुक हो जाता है तो धातुओं से उत्तर का लुक हो जाता है तो क्या बना वेदा वेद अब यहां पर पुगंत लघु पदस्य ची क्या हो जाएगा ये सार धातु के तो पुगंत लघु पदस्य च क्या हो जाएगा इसके वी के ई को गुण हो जाएगा ए हो जाएगा तो क्या बनेगा जी वेद ध्यान दीजिए वेद और जब तस आएगा तस को विकल्प से अतुसादिश हो जाए तो वेदा तुह यहाँ पर गुण नहीं होगा जो क्या ये तार धातु कम अपित से गित हो जाएगा निष्ध हो जाएगा और जब झी को उस हो जाएगा वे बन जाएगा शप सब जगह आएगा शप का लुक कर देना है ठीक है वेद था यहाँ पर क्या आ गया वेद में वेदा और शपा और जो आपका सिप था सिप को क्या हो गया थल हो गया हल्का था, था बचा और शब्द का लुक हो गया और गुण हो गया इसको शिप को मान करके शिप के स्थान में थर हो गया पुगंत लघु पद से चा और यह खरी चा मध्या को क्या हो गया खरी से ता हो गया ता हो गया तो वेद था बन गया और ऐसे फिर वेद अथु यहाँ पर कुछ नहीं होगा ये अथुस हो गया वेद अथु वेदा ये था क्या हो गया था का आदेश हो गया तो वेद बन गया वेदा ये उत्तम पुरुष में वेद बन जाए गुण हो जाएगा इसमें ठीक है और यहाँ पर नहीं है मान कोई काम नहीं प्राप्त है इसलिए मत लगाइएगा जरूरत नहीं है तो गुण हो जाएगा यहाँ को ठीक है ऐसे ही वित्त मा म हो गया वित्त मा वाह और विद मा ये मसको मा हो गया ठीक है ये तो पक्ष में हो गया बिल्कुल सरल है और जब दीजिएगा वे विस्तृत व्यक्ति माने विद हो गया तिप आ गया शप आ गया शप का लुक हो गया और पुगंत जो गुण हो गया को खरी जैसे त हो गया तो वेत्ती बन गया तस्मे वित्ता बन गया जी में अंत अंति अंत करके अंति विदंती वेत्सी खरी चल गया यहां पर और गुण हो गया विथा विथा ठीक है विद वेदमी विद्वाहा विद ये बन गया आपका बस बना लीजिएगा यहां पर तो ये वस मस है तो विसर्ग हो जाएगा सकार को सजोरू हो और खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा चलिएगा आप देखिएगा यहां पर क्या लिखा हुआ है नीचे थोड़ा सा अर्थ दिखा दिया है आ, वेद माने जानता है दोनों जानते विदु माने जानते हैं पक्ष में व्यक्ति जानता वित्ता विदंती। अब आप इसमें से क्या है चाहे आप वेद का प्रयोग कीजिएगा चाहे व्यक्ति का प्रयोग कीजिएगा दोनों का अर्थ एक ही है ठीक है इनकी सिद्धियां शॉर्टकट में बना लीजिएगा तो आज आपको ये गृह कार्य दे रहा हूं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा हमें ठीक है स्पीड थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी तो अभ्यास के लिए तो ये तीन सूत्रों की जो सिद्धियां इनको अपने शौ शॉर्टकट में नोटबुक पर लिखिएगा ठीक है और मानसिक सूत्रों का उच्चारण कीजिए ठीक चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं सर्वेभ्यो नमः